प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की एक बेटी की अनोखी कलाकारी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बनारस के छोटे से गांव की रहने वाली प्रिया सिंह ने 2726 कील और धागे का इस्तेमाल कर राम मंदिर की सबसे अनोखी पेंटिंग तैयार की है। इसके साथ खुद का नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। बता दें कि प्रिया BFA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। प्रिया ने बताया कि उन्होंने 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी प्लाई पर महज 26 घंटे से इस अनोखी पेंटिंग को तैयार किया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए 6 महीने की कड़ी मेहनत की थी और इसके लिए लगातार प्रैक्टिस भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी पूनम राय से मिली है। आज ही मुझे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिला और मैंने अयोध्या के राम मंदिर को 4 mm की प्लाई और जिसकी चौड़ाई है 4 फीट और लंबाई है 6 फीट और इस पे मैंने 2726 किलो को फो करके उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके उस पे ऊन थ्रेड आर्ट की टेक्निक जो ये है थ्रेड आर्ट के द्वारा मैंने अयोध्या के राम मंदिर और उसके बैकग्राउंड को भी दर्शाया है। और इसके करते टाइम में इस रिकॉर्ड को बनाने में कई बार हथौड़ी मेरे हाथों पे भी लगी बट मुझे वो दर्द नहीं महसूस हुआ क्योंकि भगवान रामचंद्र की कृपा जिस पे होती है उसको दर्द क्या खुशी क्या वो तो भक्ति में ही लीन रहता है। तो भगवान रामचंद्र की एक चौपाई मैं कहना चाहती हूँ कि जापर कृपा राम कह होई तापर कृपा करे सब कोई। तो भगवान रामचंद्र की कृपा जिस पे हो जाती है तो उस पे सबकी कृपा होनी तो आम बात है, हर कोई उस पे कृपा करता है। और इस यहाँ तक पहुँचने में मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, मेरे परिवार का। मैं बहुत ही लकी अपने आप को मानती हूँ कि मैंने ऐसे मम्मी पापा ऐसे परिवार को ऐसे दोस्तों को पाया कि जिसे जो मुझे हमेशा सपोर्ट की। लेकिन होता है ना कि हर इंसान को एक गाइड की ज़रूरत होती है वरना सही रास्ते और गलत रास्ते में थोड़ी सी बस अंतर होता है। अगर आप थोड़ा सा भी मार्ग भटक जाएंगे तो आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो मेरा भगवान से हमेशा से कहना था कि भगवान मुझे कोई एक अच्छा गाइड हो, मुझे क्या करना है क्या करना है मुझे सही पता चले। तो फिर मैं फिलहाल ही कुछ दिनों पहले इत्तफाकन मैं पूनम मैम से मिली, जो मेरी आदरणीय पूनम मैम है उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए मेरी दोस्त हैं, दीदी हैं, माँ हैं, मेरा प्यार भी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ कि उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे क्या करना चाहिए उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और इस पेंटिंग को मैंने उनके घर पर आकर के, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी बड़े साइज में लगा कि घर पर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं फ़िलहाल मैं शहर में रह रही हूँ एक फैमिली के साथ, लेकिन मैं इसको वहाँ पे कर नहीं सकती थी। तो मैंने मैम से बोला कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे आ सकती हो। तो इतना प्यार आज के टाइम पे बहुत ही कम लोग लकी होते हैं जिनको मिलता है, ऐसे प्यार देने वाले भी बहुत कम हैं। तो मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, मुझे अपने पास एक बेटी की तरह रखा और हमें एक एक मोड़ पे मेरी मदद की है। जब मैं नर्वस हो जाती थी नहीं हो पाएगा बहुत ये हार्ड है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तुम करो, करते जाओगी आराम से हो जाएगा। और सही बात है, जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाई और फिर वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा और कब ये कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला। तो उसके लिए मैं अपनी आदरणीय पूनम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ।